हे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपने टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स। तो आज हम बनाने वाले हैं एक वाटर हीटर। तो वैसे आप लोगों को इसके लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन चीज़ों को मैं यूज़ करने वाला हूं उनको आप लोग जो है घर पर मिल जाएंगे। तो वैसे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स। आओ कुछ के लिए कुछ ज़्यादा नहीं लेना है, आप लोगों को सिर्फ दो ब्लेड्स ले लेने हैं। और गैस उसके बाद जो है आप लोगों को एक जो है यहाँ पर इतना सा कुछ प्लास्टिक का आप लोगों को टुकड़ा ले लेना है। तो गैस मैंने जिसको इसको यहाँ पर पेन से काट लिया था। और गैस उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को वायरिंग यहाँ पर ले लेनी है। तो चलिए अब जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को इसको उसके बाद आप लोगों को करना है कि जो आप लोगों को इसके जो है इन जो है यहाँ पर और जो इसके पीछे आप लोगों को ग्लू गन लगा लेनी है। और गैस उसके बाद जो आप लोगों को तो ये ब्लेड के एकदम बीच में इन दोनों को यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो गाइस मैं जो इन दोनों को यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं मैंने जो इस ब्लेड के यहाँ पर बीच में उससे जो है पेन के टुकड़े को यहाँ पर लगा दिया। तो गाइस आप लोगों को जो है इन दोनों ब्लेड्स को दूर दूर रखना है, नहीं तो गाइस आप लोग जो इन दोनों को आपस में चिपका दे कुछ इस प्रकार। तो गाइस आप लोग को जो है इन दोनों को दूर दूर रखना है। और गाइस उसके बाद जो आप लोगों को वायर को ले लेना है। और गाइस उसके जो है एक पॉइंट को इसमें और गाइस दूसरे पॉइंट को आप लोग को इसमें कनेक्ट कर देना है। तो गाइस मैं जो इन दोनों वायर्स में यहाँ पर जो इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं मैंने जो इसको यहाँ पर जो इन दोनों वायर्स को इसमें कनेक्ट कर दिया। और गाइस यहाँ पर जो आप लोग इसके जो है यहाँ पर वायर्स को यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पर जो इसके पूरे जो है टेक्सचर को यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद गाइस आप लोगों को करना है जो आप लोग को इन दोनों वायर्स को जो यहाँ पर आप लोगों को जो है जो 440 वोल्ट में आप लोगों को लगा देना है जो कि एसी होती है। तो गाइस उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पर जो इन जो है दोनों ब्लेड्स को आप लोग को जो है इससे जो है आप लोग को थोड़ा सा पानी ले लेना। और गाइस मैं जो इन दोनों में इस यहाँ पर जो इसको डाल दूंगा। और गाइस उसके बाद जो हमारा पानी यहाँ पर हीट होने लगेगा जो कि यहाँ पर पानी हमारा गर्म होने लगेगा। तो चलिए मैं जो इसको टेस्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर जो है पानी में डाल दिया। और गाइस आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे जो है अभी ब्लेड्स में से बबल बिल्कुल भी नहीं छूट रहे हैं। और गाइस जैसे ही मैं जो है इनको यहाँ पर जो इसके अंदर यहाँ पर लगा देता हूँ इसको जो है 440 वोल्ट में, तो गाइस हमारे जो यहाँ पर इन दोनों ब्लेड्स में से बबल यहाँ पर छूटने लगे हैं। तो गाइस मैं जो इनको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पर ब्लेड्स में से बबल यहाँ पर निकल रहे हैं। तो गाइस आप सभी लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है थोड़े थोड़े बबल्स यहाँ पर कम भी दिख सकते हैं क्योंकि गाइस यहाँ पर जो है कैमरे में थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। लोग देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पर ब्लेड बबल्स दे रहा है। और गाइस ये जो हमारा सीधा कनेक्टेड है 440 वोल्ट में, तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पर 440 वोल्ट में यहाँ पर कनेक्टेड है। और गाइस यहाँ पर जो हमारा ब्लेड है यहाँ पर बबल्स पानी में किस प्रकार दे रहे हैं, तो गाइस आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा पानी यहाँ पर गर्म हो रहा है। और गाइस जब ये गर्म हो रहा हो तो गाइस आप लोगों को जो इसके अंदर हाथ नहीं डालना है, इससे आप लोगों को जो यहाँ पर करंट भी लग सकता है। देखा कि हमारे जो है वाटर हीटर किस प्रकार काम कर रहा था। तो गाइस आप सब लोगों ने वहाँ पर देखा कि हमारे वाटर हीटर बबल छोड़ रहा था। तो गाइस इसका मतलब हमारे जो है पानी वहाँ पर गर्म हो रहा था। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा। और गाइस जब जो हीटर चल रहा हो तो गाइस आप लोग जो उसके अंदर आप मत डालिएगा क्योंकि इससे आप लोगों को करंट लग सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।